बच्चों यहाँ पे हमें दे रखा है एक मशीन गन इज माउंटेड ऑन अ आर्म मोटर कार के मूविंग विद द स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड एज शोन इन द फिगर। ओके, तो ये इस डायरेक्शन में जा रही है विद द स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। द गन कैन पॉइंट अगेंस्ट डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द कार। द स्पीड ऑफ द बुलेट इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ द साउंड। तो हमें यहाँ पे दोनों की स्पीड जो है वो सेम गिवन है। द टाइम डिफरेंस बिटवीन द बुलेट एंड द एक्चुअल रीचिंग साउंड फायरिंग रीचिंग एट अ टारगेट 5544 मीटर अवे फ्रॉम द कार एट अ इंस्टेंट ऑफ फायरिंग इज। तो लेट अस कैलकुलेट। सबसे पहले जब हमें पता है कि जब यहाँ से फायरिंग होगी राइट, तो यहाँ से साउंड जाएगा और साउंड अपना इस डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा। तो साउंड के लिए जो हम टाइम निकाल लेते हैं, स्पीड ऑफ साउंड को कितना टाइम लगेगा, टाइम फॉर साउंड वेव, तो डेट वी कैन राइट डेट इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो उस पर तो हमारा 5 दिस इज 4 डिवाइडेड बाय 340। तो दिस इज द की ऑफ मतलब टाइम जो साउंड को पहुंचने में लगेगा किसी पॉइंट पे। ओके, 5544 मीटर अभी पे। अब बात करते हैं हम लोग स्पीड ऑफ बुलेट की, बात कर लेते हैं कि टाइम ऑफ बुलेट कितना लगने वाला है। तो यहाँ पे बेटा देखो आपको क्या दे रखा है कि ये 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से इधर जा रही है राइट। तो यहाँ पे हमने को अगर रिलेटिव वेलोसिटी यहाँ पे देखेंगे तो नेट वेलोसिटी ऑफ इसकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ओके, तो दैट वी कैन राइट दिस इज 554। डिस्टेंस तो सेम रहेगी 544 डिवाइडेड बाय दिस इज 340 माइनस 20 राइट। तो यहाँ पे आपका निकाल आएगा दिस इज 544 डिवाइडेड बाय 320। तो ये टाइम डिफरेंस हमसे पूछा है। अब हम डेल्टा टी निकाल सकते हैं इसको सब्ट्रैक्ट करके। तो डेल्टा टी अपने को समझ में आ रहा है यहाँ पे कि ये हो जाएगा दिस इज 544, दोनों में ही कॉमन है, तो दिस इज 544 तो हमने कॉमन ले लिया। दिस इज 320 माइनस 340। ये तो अगर हम इसका एलसीएम ले लें तो ये आ जाएगा दिस इज 544 इंटू ऊपर आ जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 320 इंटू 340। यहाँ से जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, दिस इज 16 हो जाएगा। ओके, फर्दर हम इसे जब सॉल्व करेंगे दिस इज कैन बी मल्टीप्लाइड, तो यहाँ पे आ जाएगा दिस इज 4। सो बेटा यहाँ पे आ जाएगा दिस इज 1/10 ऑलमोस्ट, दैट इज इक्वल टू वी कैन राइट 0.1 सेकेंड 0. सो लेट अस चेक द ऑप्शन नाउ। ऑप्शन 2 इज एब्सोल्युटली करेक्ट फॉर द गिवन प्रॉब्लम। थैंक यू सो मच, आई होप यू विल अंडरस्टैंड।